हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारा ये छज्जा हमारा टाइल लगा लगने जा रहा है। पूरा छज्जा है, बाहर का बालकनी हमारा बड़ा है, करीबन 200 फीट का है। तो इसमें 2x2 का मैट फिनिशिंग में टाइल हमारी है, GVT वो टाइल लगेगी। इसमें 2x2 की टाइल है, BT5 टाइल है 2x2 की। तो ढाल में लगेगी दोस्तों, ढाल इसके देखें ढाल में कैसे टाइल लगाते हैं। बिल्कुल ढाल देंगे, पानी बिल्कुल एक भी रुकेगा नहीं, पानी पूरा जाली में जाएगा। ढाल देने का तरीका दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया है। बेस आपको सही रखेंगे तभी आपका जो है इसमें टाइल्स फिनिशिंग से लगेगी। बेस आप सही रखेंगे टाइल आपका तभी सही से लग पाएगा ढाल में। तो हम बेस का ज़्यादा ध्यान देना है, ठिया जो करें और भट्टा जो चलाएं बिल्कुल मसाइन दबना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो मेरा बेस पूरा तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं काट गुनिया कर ले रहा हूँ पहले, ताकि टाइल हमारी कटिंग किनारे चली जाए। तो काट गुनिया हमारा जो हो चुका है, अब उसको लगाना चालू करेंगे टाइल हम दोस्तों। देखिए पूरा काट गुनिया कर लिया, सेटिंग में कर लिया, तब उठा उसको लगाना चालू करेंगे टाइल को। GVT में टाइल है मैट फिनिशिंग में, और ढाल में जो लगा रहे हैं बहुत परफेक्ट टाइल लगेगा हमारा। वीडियो पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तभी समझ पाएंगे टाइल किस तरीके ढाल में लगाना चाहिए, बालकनी टाइल कैसे लगानी चाहिए आपको। मैट फिनिशिंग टाइल है GVT BT5 टाइल आपकी है। अगर चैनल में दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ऑल पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे आपको। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और वीडियो लास्ट तक देखें पूरा, तभी समझ पाएंगे टाइल मैंने कैसे ढाल में लगाया है, कैसे सेटिंग करनी है। देख सकते हैं सेटिंग कैसे मैंने किया, पूरा टाइल लगा रहे हैं और कहीं पानी नहीं भर रुकता, पूरा पानी जाली जा कच्चा जा जो माचन आप सही बिल्कुल फंटे में करेंगे डोर में, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइल लगाने में, ढाल में बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और टाइल बिल्कुल बढ़िया बराबर बैठेगी आपकी, कोई दिक्कत टाइल में नहीं आएगी। आप ईयर की टाइल में होगा जल्दी आपका, टाइल में ईयर की भी चांसेस कम होती है उसमें, अगर टाइल और माचन का परफेक्ट आपने किया हुआ है। तो पूरा देखिए वीडियो में मैंने पूरा बालकनी लगाया है और बहुत फिनिशिंग टाइल तो लगा, बहुत फास्ट काम हुआ हमारा। पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक आप समझ पाएंगे मैंने कैसे कर उसको काम किया। फिर मैं तो क्या वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो काम का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि आप भी लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। देखिए वीडियो शूट करना होता है, काम भी करना होता है, तो मेरा हार्ड वर्क दोस्तों रहता बहुत। आप सोच लिए मैं दिन भर काम करता हूँ एडिटिंग करने के लिए, रात में सब मिलता तो करता हूँ, मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक शेयर करो सब्सक्राइब तो कम कर देंगे दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमेशा काम के बारे में नॉलेज दे दें आपको। आप भी लोग की हिम्मत हमारे आगे बढ़ाएंगे चैनल को। वीडियो जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखिए काम तरीका क्या, काम कैसे काम करते हैं हम लोग, वीडियो शूट करते हैं काम भी करके दिखाते हैं, किसी ने कि वीडियो शूट करना होता वर्क भी करना होता दोस्तों हम लोग को। हम लोग को कैमरा मैन ही बड़े यूट्यूबर नहीं है, हम लोग कैमरा मैन लेके अलग चले, हम लोग स्टैंड बना के रख देते हैं, वीडियो शूट होता रहता है, हम लोग होता रहता है, इसलिए कि हम लोग काम करते हैं अपना, वीडियो शूट हम लोग करते हैं, काम भी होता है वीडियो शूट हो जाता है। तो आप लोग सपोर्ट रहेगा तो हम भी आगे तक पहुँच जाएंगे दोस्तों, चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा हमारा। तो आप इसे जो है रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर आगे तक शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, फैलाइए वीडियो को, और देखिए ध्यान से कैसे मैं काम करूँ तरीका, देखिए कैसे काम करना चाहिए पूरा देखिए। वीडियो मैं ही समझाता हूँ काम करने का तरीका, आपको परफेक्ट ही आना, परफेक्ट आना चाहिए ताकि तभी मिस्त्री आपका बन पाएगा सही से, करने पकड़ना मिस्त्री नहीं बन जाता कोई भी। काम करने का तरीका आना चाहिए उसको, हर चीज़ का नॉलेज आना चाहिए उसको। ढाल में भी टाइल लगाना चाहिए, फिनिश में टाइल होना चाहिए, कहीं टक्कर नहीं आना चाहिए टाइल में, ढाल में भी तभी मिस्त्री बन पाएंगे। ये नहीं कि ढाल में आपने टक्कर दे दिया और बोल दिया कि ऊंचा नीचा हो गया, ये सब कुछ नहीं। ढाल में भी लगाना है, फिनिशिंग टाइल लगाना है आपको, ताकि बिल्कुल ढाल में पानी कहीं रुके नहीं। मैंने पूरा ढाल में लगाया पर लोग पड़ गए, चलिए दोस्तों देखिए लास्ट तक जो हमारा कैसे काम करते हैं। फाइनली दोस्तों पूरा फ्लोरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बालकनी की, देखिए पूरा टाइल लग गया। तो बारिश हो रही थी इसलिए सबको घंटा होकर सब बाद में सफाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नए टॉपिक हम, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।